लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं तेरे अंदर भी डाल सकता था, लेकिन मैं तेरे चेहरे पर मौत के सन्नाटे से पहले का डर देखना चाहता था, समझे? मौत दिखाई दे रही है भोसले। तूने कभी सोचा था तेरे साथ ऐसा होगा? नहीं ना, तुम जैसे का भला करना मैंने शुरू कर दिया है। हेलो, हाँ बोल। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। विजय ने भोसले को मार दिया। ये आज्ञा को बोल, गाड़ी निकालने के लिए सेठी साहब के बंगले पर जाना है। मारा ही जाना था उसे, भोसले को मारा ही जाना था। जो काम, जो फैसले दिमाग से नहीं जोश से किए जाते, उनके साथ ऐसा ही होता है। राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से जनसेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी बढ़त बनाए हुए हैं। वो लोक कल्याण मंच के दद्दा भाई के मुकाबले 75,000 वोटों से आगे हैं। हेलो विजय, पांडे साहब कुछ ऑफिसर्स को लेकर सेठी के बंगले पर गए हैं। उसे अरेस्ट करने। कहाँ है रतन सेठी? कहाँ छिपा हुआ है वो? वो बोलो। हेलो, अरे बोलो। वो पनवेल वाले फार्म हाउस में गए हैं। हेलो, पनवेल का फार्म हाउस कहाँ है? वो हाईवे से लगा हुआ, वो खेड़गांव के आगे रास्ता जाता ना बाई तरफ, उधर। हेलो हेलो, ये विजय का फोन था। तुम्हारी बेवकूफी से उसे फार्म हाउस का पता चल गया है। सॉरी सर। दिमाग खुला रखा करो। धनंजय। यस सर। बॉम्बे पुणे हाईवे पे सब चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दो कि उस वैन को रोके। मतगणना के दूसरे चरण में भी जनसेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी 125,000 वोटों से आगे हैं। Thank you.
चौकरे लोग बॉम्बे से निकल चुके हैं। इधर आने के लिए उसी चौकी से गुजरना पड़ता है। तुम पक्का बंदोबस्त रखना, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। कुटी, गिनकर 6-8 लड़के हथियार लेकर शहर में नंगा नाचते हैं, और फिर नाचते नाचते शहर छोड़ भी देते हैं। और हमारी पुलिस। यस सर, ओके सर, ठीक है सर। आगे नाके पर हमारी वेलकम की पूरी तैयारियां होंगी। हमें हाईवे छोड़ देना चाहिए। होकर निकलो, हम लोग रोड से आते हैं। सेठी साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो चौकरे लोग जैसे चौकी पर पहुंचेंगे, सबका काम लग जाएगा। उधर मैंने टाइगर फोर्स लगाया है। टाइगर फोर्स बोले तो ये मुंडी पर लगाया तो होल उधर ही। Joggers.
जख्म खाए हुए नौजवान का हाथ है सेठी, ये जिसके गाल पे पड़ता है उसकी दुनिया घूम जाती है। निशाना साधना तो दूर, आंखों को एक जगह टिका कर देखने के लिए भी तुम्हें वक्त लगेगा। मैंने कहा था ना सेठी, अपनी जीत की खबर सुनने से पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नीलेश, न्यूज बुलेटिन का वक्त हो गया है। रतन सेठी 2,25,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने लोक कल्याण मंच के श्री दद्दा भाई को हराया है। गोलवाड़ी क्षेत्र से श्री रतन सेठी लगातार तीसरी बार विजयी हुए हैं। लोकसभा के चुनाव की मतगणना का अंतिम दौर खत्म हुआ। तुम जीत गए विजय, तुमने जो कहा था कर दिखाया। मगर ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर जीत की खुशी नहीं देख रहा हूं मैं। मुझे देखो, मैं कैसे शर्मिंदा हूं अपनी हार पर। नहीं सर, मैं जीता नहीं हूं। मैं अपनी जीत तब मानता जब ये काम मैं कानून की हदों में रहकर एक सिपाही की हैसियत से करता। मैं खुश नहीं हूं सर, क्योंकि जो काम मेरे हाथों से हुआ है उससे आपको शर्मिंदा होना पड़ा। I'm sorry. एक सजर ऊपर लेके जा। आराम से। बस। रुको बेटा, तेरे साथ अब तक जो हुआ और आगे जो कुछ भी होने वाला है मैं उसे समझना चाहता हूं। पिताजी, पांडे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वैन सिपाहियों को ले जा रही है या मुजरिमों को। इन जवानों की पहचान कुछ अलग ही है सिंह साहब। 22 दिनों तक इनके साथ चली हुई लड़ाई और उससे निकले हुए नतीजों ने हमारे सिस्टम के एक अलग ही रूप को उजागर किया है। करप्शन एक बीमारी जिसे मैं सिर्फ टहनियों तक ही महसूस कर रहा था, वो दरअसल जड़ों तक पहुंची हुई है और इन जवानों ने कुछ ऐसी ही जड़ों को काटने का नेक काम किया है। इनका विद्रोह हमारे बिगड़े हुए सिस्टम के लिए एक सही जवाब है। ये इनकलाब की शुरुआत है।
Gadgets! Move in! Fast! Sir! Bloody jokers.